इवन जिमी सर ने भी कहा था कि मतलब आजकल स्पोर्ट्स पे मूवी बन रही है ताकि मतलब जो भी मूवीज बच्चे लोग देखते हैं काफी उसे प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे सिर्फ एक्टर नहीं, लाइक अगर कोई एक्टर किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है तो वो अपना करियर एज अ स्पोर्ट प्लेयर भी देखता है. तो एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? नहीं नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ. हमारे यहाँ क्या होता है, स्पोर्ट्स का सदियों से इस्तेमाल हुआ है लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए. स्पोर्ट्स जो है लोगों को अपने उनकी जो उनका जो इकोसिस्टम है बदलने के लिए, कई बार बॉक्सिंग खासतौर पर बॉक्सिंग, पहलवानी, फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट्स यूज़ हुए हैं लोगों को अपनी मौजूदा हालत से उभरने के लिए. कई लोग, कई आप बहुत सारे बॉक्सर्स के पास जानेंगे वेस्ट में, तो पहले वो अगर उनको बॉक्सिंग नहीं होती इनकी ज़िंदगी में तो शायद वो क्रिमिनल्स बन सकते थे. तो कई बार लोगों के रास्ते पे भटके ना, अपने गुस्से को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स का इस्तेमाल होता रहा है. और स्पोर्ट्स काफ़ी समय से काफ़ी इग्नोर्ड रहा है. क्रिकेट इतना हावी है कि हमें बाकी सारे स्पोर्ट्स इग्नोर रहे हैं. वो साइना नेहवाल और सिंधु की वजह से लोग बैडमिंटन पर ध्यान देने लग गए हैं. और इस तरह से जब कोई मेडल जीतता है, लेकिन जितने लोग जब मेडल जीतते हैं तो उनकी जो काफ़ी जर्नी होती है वो खुद ही होती है, खुद के पैशन से या किसी कोच के या किसी माँ बाप के पैशन से. हमारा सिस्टम जो अपनी जगह पे है, जहाँ स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए नौकरी दी जाती है, स्टेडियम्स बने हुए हैं, लेकिन एक इनकरेजमेंट नहीं, एक पर्सनल सुपरविजन, एक सिस्टम इस तरह से नहीं है जो स्पोर्ट्समैन क्रिएट करे. वो सुविधा सारी हैं लेकिन वो छोड़ दिया कि आपको लेना है तो लो. वहाँ आने के बाद कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है. वो सब एक सिस्टम के तहत पे जो सरकारी चीज़ें जैसे सारी होती हैं, तो वो जो है उसके बारे में भी कमेंट है फिल्म पे, और किस तरह हम स्पोर्ट्स को हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है.